भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज एजेंसी एनआई को नए साल पर इंटरव्यू दिया है। उनसे तमाम मुद्दे जैसे राम मंदिर, नोटबंदी, जीएसटी, अभी विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में क्यों हार गए इत्यादि पर सवाल पूछे गए और उन्होंने सभी मुद्दों का बारीकी से जवाब दिया। राम मंदिर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अध्यादेश यानी यह अपने से कानून लाकर राम मंदिर बनवाने के बारे में सोचेंगे। जीएसटी के लिए उन्होंने कहा कि सभी महंगे टैक्स को घटाकर एक टैक्स जीएसटी बनाया गया जिससे भारत का भला ही हो गया। नोटबंदी पर उन्होंने कहा कि यह देश के विकास के लिए करना जरूरी था, आने वाले दिनों में इसका फायदा लोगों को जरूर होगा। विधानसभाओं में चुनाव में 3 राज्यों में हारने पर उन्होंने कहा कि 15 साल से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, इसलिए लोगों ने बदलाव के लिए उनको हरा दिया इत्यादि। इस इंटरव्यू से उम्मीद है कि सबको जवाब मिल गए होंगे। 2019 के अप्रैल में चुनाव होने वाले हैं, देखिए जनता किसको इस बार जिताती है। अब बात करते हैं कादर खान जी के बारे में। कादर खान जी का भी निधन हो गया है, वो 81 वर्ष के थे। उन्होंने 31 दिसंबर को शाम को 6 बजे कनाडा में अंतिम सांस ली। वो बॉलीवुड के महान अभिनेता थे, उन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए स्क्रीन राइटर का काम किया था। उन्होंने अमिताभ बच्चन ने कई फिल्मों का डायलॉग्स लिखा था और वो जाने माने कॉमेडियन भी थे। उन्होंने गोविंदा के साथ कई फिल्में की थी और उन्होंने लगभग 300 फिल्मों में काम किया था। वो अपने इस कॉमेडी और अपने बेहतरीन अभिनय के लिए हमेशा जाने जाते हैं। अब बात करते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। इंडिया ने अभी 4 मैचों के टेस्ट सीरीज में 3रे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है और सीरीज 2-1 से बढ़त बना ली है। अभी 3 जनवरी को 4था टेस्ट होने वाला है, देखिए इसमें कौन जीतता है। लेकिन 2-1 से बढ़त बढ़ाने के बाद भारत का हौसला बढ़ा हुआ है और इसका श्रेय विराट कोहली और उनकी टीम को जाता है और भारत को सीरीज जीतने का काफ़ी चांस है। अगर वो सीरीज जीतता है तो ये इतिहास होगा, क्योंकि इससे पहले कभी भारत ने ये सीरीज नहीं जीता है ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं बिग बॉस के बारे में। बिग बॉस के 12वें सीजन में दीपिका जी विजेता रहे, दूसरे स्थान पर श्रीसंत जी रहे। अभी इस शो का होस्ट सलमान खान करते हैं। तीसरे स्थान पर दीपक जी रहे जिन्होंने 20 लाख रुपए का बैग लेकर पहले से ही कंपटीशन से बाहर हो गए। यह शो दर्शकों के बीच में काफ़ी पॉपुलर था। दीपिका जी को जनता के वोटों के हिसाब से जिताया गया, धन्यवाद। अब बात करते हैं कपिल जी के नए शो के बारे में। हाल ही में कपिल जी ने अपना नया शो 29 दिसंबर से स्टार्ट किया है, जिसमें कपिल शर्मा के साथ कृष्णा जी और भारती जी भी रहेंगे। कृष्णा जी अपने कॉमेडी की वजह से जाने जाते हैं और कपिल तो महान कॉमेडियन है। जब कृष्णा जी और कपिल दोनों लोग का साथ होगा तो दर्शकों को कितना हंसाएंगे, इसलिए इस शो को जरूर देखिएगा। धन्यवाद।